आपने मुरली मनोहर की तो वाट लग गई। क्यों जलर जी? और बलराज राणा का दल्ला बन गया चीफ मिनिस्टर। ये राजनीति है कलाल साहब, इसमें कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कलाल साहब, वो मैंने अपने बेटे के बारे में आपको कहा था ना, उसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाना था। डोनेशन के लिए 10 लाख रुपए चाहिए ना तेरे को? जी फिक्र मत करो, मिल जाएगा। तेरा छोकरा डॉक्टर बनेगा जेलर। हाँ। तूने इस काल कोठरी को मेरे लिए 5 स्टार होटल का रूम जैसा बना दिया, तो क्या तेरे लिए इतना नहीं कर सकता क्या मैं? थैंक यू कलाल साहब। अच्छा कलाल साहब, मैं चलता हूं। नमस्ते सर। हाँ तो मुरली मनोहर, राजनीति में अपने आप को तुम महारथी समझते थे हैं? लेकिन मधुकर कुलकर्णी तो तुम्हारा बाप निकला। तुम जैसा हरा हुआ नेता बूढ़ी तवायफ के बराबर होता है। मेरे ख्याल से अब तुम्हें पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाना चाहिए। तुम्हारा ख्याल गलत है कलाल भाई। तवायफ बूढ़ी तो हो जाती है, लेकिन नेता कभी बूढ़ा नहीं होता। मधुकर कुलकर्णी चीफ मिनिस्टर बन तो गया, लेकिन देखना यह है कि उसकी सरकार चलती कितना दिन है। वैसे इस मधुकर कुलकर्णी का चीफ मिनिस्टर होना हमारे लिए भी चैलेंज है भाई साहब, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि वो बलराज राणा का आदमी है और चुनाव भी वो उसी के बल पर जीता है। सरकार तो मधुकर कुलकर्णी की बनी है, लेकिन उसका रिमोट कंट्रोल बलराज राणा के हाथ में है। वो जिस तरह चाहेगा मधुकर को अपने इशारों पर नचाएगा। अगर ऐसा है तो मधुकर कुलकर्णी की सरकार को मैं ज्यादा टाइम तक नहीं चलने दूंगा। बस यही तो चाहता हूं मैं। मैं पैसा पानी की तरह बहाने के लिए तैयार हूं। आगे जो कुछ भी करना है वो तुम सोचो। मैंने सोच लिया। ये लो और काम ठीक से समझ लो। जी भाई। शहर में चारों तरफ दंगा फसाद कराने का है, गैंगवार, बम ब्लास्ट, लूट मार। अखा मुंबई में आतंक का ऐसा नाच होना चाहिए कि मधुकर कुलकर्णी की सरकार को गिरने से कोई बचा न सके। समझ गया भाई। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इस काम के पीछे दलाल कंपनी का हाथ है। गुल्लू पठान मैटर लेने के बाद पार्टी का नाम भूल जाता है। आप फिक्र ना करें, आपका नाम बाहर नहीं आएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं प्रताप कलाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलो भाई। उल्लू पठान, तेरी लाइफ खतरे में है। पुलिस तुझे पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रही है और बलराज राणा के आदमियों ने भी तेरी फील्डिंग लगा रखी है। अगर तू स्पॉट हो गया ना तो तुझे ठोक डालेंगे। तो मैं क्या करूँ भाई? तू जितनी जल्दी हो सके मुंबई छोड़ के भाग जा और गोरखपुर के रास्ते नेपाल चला जा। वहां से तेरा हांगकांग जाने का बंदोबस्त मैं कर दूंगा, समझा? ठीक है भाई। नहीं 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 विठल भाई, नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो विठल भाई। नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो विठल भाई, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे विठल भाई, मुझे माफ कर दो। नहीं विठल भाई,
नहीं विठल भाई, मुझे मत मारो विठल भाई, मुझे माफ कर दो विठल भाई। नहीं नहीं विठल भाई नहीं, मुझसे गलती हो गई विठल भाई, मुझे माफ कर दो। शहर में दंगा फसाद फैलाने के लिए शंकर कलाल ने तुझसे कितने में सौदा किया? तू जास्ती होशियारी मत करा, मेरा नाम मालूम है ना? अन्या कोली। क्या अन्या कोली? मछली के बच्चे को तैरना मत सिखा, मेरे को मालूम है तू एक मामूली बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर था। बल्लाज भाई की मदद से तू आज एक बहुत बड़ा बिल्डर बन गया। इचा आईला जास्ती शानपति मत कर, पॉइंट की बात कर। क्या पासों खोखा मांगता है तेरे को? बल्लाज भाई को तूने वर्ल्ड बैंक समझ रखा है क्या? इधर पैसों का झाड़ है क्या? ए अन्या, उसको बोल काम शुरू करने के लिए 100 खोका बहुत हो गया, 500 खोका काय को चाहिए। हाँ विठल भाई, ए नजीर कासकर, तू मगजमारी मत कर। भाई को बोल कर तेरे को 100 खोके का बंदोबस्त करता है, तू उसी से काम शुरू कर, बाकी देखा जाएगा। और तू फिकर काय को करता है, तेरी कॉलोनी बनेगी, सरकार अपनी है, सब कुछ अपना है। You are under arrest. ये सब क्या है एसीबी साहब? हम तो शरीफ लोग हैं, हमारा कोई इल्लीगल धंधा नहीं है, हम फाइनेंस का धंधा करते हैं। Shut up! तुम लोग कौन हो, क्या धंधा करते हो, किससे जुड़े हुए हो, ये सब जानता हूँ मैं। ले चलो इन्हें। लड़ी चल। अरे मुझे कहाँ ले आए हो? तुम लोग कुछ बताते क्यों नहीं? कौन हो तुम लोग? तेरे बाप। मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? मुझे कहां लेकर आए हो? किस लिए किडनैप किया गया है मुझे? जानते हो मैं एक जज हूं, जज। तुम सब लोगों को मुसीबत में डाल दूंगा, सब लोगों को मुसीबत में डाल दूंगा। जज साहब, हम बताता हूं कि आपको यह काहे लाया गया है। तनी हुआ देखिए। हां हां जज साहब, कुछ बुझाइल। बलराज, राणा, बलराज, राणा। अकबर यार, ये तो बेहोश हो गया। अनवर जा जल्दी से पन लिया। ओके से जिंदा लाने के लिए कहा था, इसकी लाश नहीं चाहिए थे मुझे। भाई लाया मैं इसको जिंदा था, मगर आपका फोटो देख के ये बेहोश हो गया। मेरा कसूर क्या है बलराज साहब? मुझे यार विठल राव और अन्या कोली मेरे आदमी हैं। उल्लू पठान की हत्या में उनका कोई हाथ नहीं है जी। कल पुलिस उन दोनों को तुम्हारी अदालत में पेश करेगी। समझ गया बलराज साहब, उन दोनों को कुछ नहीं होगा। जो फैसला आप चाहेंगे वो मैं अदालत में सुना दूंगा। जी भाई, इन्हें जाने दो। ठीक है भाई। पिंकी का गिफ्ट ले आओ। जी सर। माँ जी, कोई भी हिंदू किसी मस्जिद को तोड़ना नहीं चाहता है, ना ही कोई मुसलमान किसी मंदिर को गिराना चाहता है। यह सब तो कुर्सी की लड़ाई थी जिसमें हजारों बेगुनाह लोग मारे गए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा बेटे,
लेकिन भगवान की कृपा से अब शहर में शांति है। बेटे कैसी हो माँ? मैं तो ठीक हूँ बेटे, तू कैसा है? अच्छा हूँ माँ। तुम्हारी याद आ रही थी माँ, इसलिए मिलने चलाया। अच्छा किया बेटे, न जाने क्यों मुझे हमेशा तेरी चिंता लगी रहती है। मेरी चिंता मत किया कर माँ, तू मेरे पास नहीं होती मगर तेरा आशीर्वाद तो हमेशा मेरे साथ होता है। नमस्ते। माँ इनसे कह दो इनका यहां आना मुझे बुरा नहीं लगता मगर इनके जुर्म की काली परछाई मेरी वर्दी को दागदार कर सकती है। माँ ये दुनिया काजल की कोठरी है जहां दाग लगे बगैर कोई बच तो सकता नहीं। हाँ अजय से इतना कह दो कि मेरी वजह से इसकी वर्दी को कभी दाग नहीं लगेगा। लेट्स गो। ओके सर। मम्मी मम्मी, अरे ताऊजी आप? नमस्ते नमस्ते। अरे बेटे आजा आजा आजा। कैसी है तू? अच्छी है। इतनी देर से कहाँ थी है? मैं तो खेल रही थी, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं आप आए हुए हैं। अरे हमारी बेटी को कोई बताता नहीं कि हम आए हैं। ये देखो हम आपके लिए क्या लाए, इसको ऐसे ऐसे खोलते हैं। देखो यहाँ से ऑन। ना अच्छा है ताऊ जी। थैंक यू दादी, कितना अच्छा है। हाँ हाँ बहुत अच्छा। और ये यहाँ से ऑफ होता है। और ये तुम्हारे चाचू नजर नहीं आ रहे, कहाँ गए वो? वो तो महाबलेश्वर गया है दोस्तों के साथ। अच्छा तो दोस्तों के साथ महाबलेश्वर पिकनिक मनाने गए। हे गाइस, हेलो, लिसन, मैं तुम सबको एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। अटेंशन गाइस, शी इज गोइंग टू गिव अस अ सरप्राइज। नेहा कम आउट विद दिस सरप्राइज। फ्रेंड्स, हर लड़का और लड़की के पास एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी चीज होती है जो जवानी में कदम रखते ही बेचैन होने लगती है और फिर उसे संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। Do you know, वो चीज़ क्या है? मुझे तो पता नहीं यार। क्यों, तुझे पता है? नहीं। तुझे पता है बे? नहीं। Oh, come on, Neha, we don't know it. तुम ही बता दो वो चीज़ क्या है। That's called heart, यानी कि दिल। Hey! दिल! Hey! लेकिन आज मुझसे मेरा दिल संभालना मुश्किल हो गया है, इसीलिए मैं अपना दिल किसी को देना चाहती हूँ, अपने दिल का सौदा करना चाहती हूँ। है कोई जो मेरा दिल खरीद सके? इसे देखो। मैं बताता हूँ कैसे खरीदा जाता है दिल। निकलिए निकलिए मुझको दिल से निकलिए।
जाती है तू दिल की नीलामी, ला मुझको तेरे मत कर लूं गुलामी। क्यों करती है तू दिल की नीलामी, ला मुझको तेरे मत कर लूं गुलामी। तू जो चाहे आशिक जैसा ये बंदा है बिल्कुल वैसा मान ले तू कहना मेरा। हाय 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 खरीदा जाता है, दिल का सौदा दौलत से नहीं दिल से किया जाता है। ये विठल राव और अन्या कोली, मैंने उनको कितनी बार कहा कि एक बार, सिर्फ एक बार मुझे बलराज राणा से मिलवा दो, लेकिन सालों ने नहीं मिलवाया। तू मेरा पुराना दोस्त है और मैं ये भी जानता हूं कि आज की डेट में बलराज राणा तुझे अपने सगे भाई से भी ज्यादा चाहता है, इसलिए तू चाहेगा ना अक्रम, तो बलराज राणा से मेरी मीटिंग हो सकती है और मेरी तकदीर चमक सकती है। यार लगता है तुम्हें कुछ चढ़ गई है, बलराज राणा बड़ा खतरनाक आदमी है, बेहतर है तुम्हारे लिए तुम उससे दूर ही रहो। अरे यार तू मेरा दोस्त होकर मेरा एक छोटा सा काम नहीं कर सकता है, है? जानता है तेरी मेरी दोस्ती कब की है? जब मैं डोंगरी पुलिस स्टेशन में हवलदार था और तू भेंडी बाजार में एक मामूली गुंडा। अब तक वसूली का काम मैंने ही तेरे को सिखाया था, याद है? मुझे सब कुछ याद है, लेकिन इस वक्त तुम होश में नहीं हो। मैं बिल्कुल होश में हूँ। तुम मुझे उसे नहीं मिलवाना चाहते तो मत मिलाओ यार, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये लो पकड़ो, लेकिन बलराज राणा को एक बात जरूर कह देना कि कल से जरा होशियार रहे, क्योंकि शंकर कलाल कल जेल से छूट रहा है। मैं वापस आ गया हूं भैया। बलराज राणा के नाम का सूरज अब ज्यादा समय तक नहीं चमक पाएगा, क्योंकि आज से
मैं उसके लिए ग्रहण बन जाऊंगा। आपका उत्तराधिकारी होने की हैसियत से मैं इस कुर्सी पर उस दिन बैठूंगा जिस दिन बलराज राणा की चमड़ी के चप्पल पर आकर अपने पैरों में पहनूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है भैया। अब बोल मंत्री, तेरी क्या समस्या है? जो समस्या तुम्हारी है वही हमारी भी है बलराज राणा। पिछले इलेक्शन में जो मेरी जमानत जब्त हुई थी उसका सबसे बड़ा कारण बलराज राणा था। खैर अब तुम आ गए हो तो कुर्सी की चिंता नहीं है मुझे। अगला चुनाव जीतकर मंत्री तो फिर से बन जाऊंगा मैं, लेकिन इस बलराज राणा का अभी से कुछ सोचना पड़ेगा। सोचना क्या है मुरली मनोहर? भाई साहब की रिहाई का मतलब है उसकी तबाही। वो अपने आपको मुंबई का बहुत बड़ा डॉन समझता है, लेकिन अब उसके रिटायर होने का टाइम आ चुका है। अखाड़े में उतरकर तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि आज उसके पास तुमसे ज्यादा दौलत भी है और ताकत भी। ये तो मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं मंत्री, लेकिन जुर्म की शतरंज दौलत या ताकत से नहीं, दिमाग से खेली जाती है। अगर दुश्मन की गर्दन पर वार करना मुश्किल हो तो पहले उसके दोनों हाथ काट दो, अपने आप मर जाएगा। दंडेकर, ये रहे तुम्हारे 10 लाख रुपए। थैंक यू। लेकिन अचानक तुम्हें 10 लाख रुपए की जरूरत कैसे पड़ गई? आजा बताता हूँ। न्यू बॉम्बे में एक बियर बार खोल रहा हूँ, चांदनी बियर बार। अक्रम, आजकल बियर बार के धंधे में जो कमाई है ना, वो किसी धंधे में नहीं है। ओह, क्या बात! लेडीज सर्विस रख दो, साथ में 8-10 खूबसूरत लौंडिया नाचने के लिए रख दो, क्या बात है? और जिंदगी भर पैसा छापते रहो, नोट छापते रहो। क्या बात है, क्या बात है! तेरा चक्कर मैं समझ गया। तू उस बियर बार में एक खास रूम बनाएगा और उन नाचने वाली लड़कियों के साथ रोज सुहाग रात मनाएगा। दांडेकर के लाइफ में लड़कियों की कभी कमी नहीं रही। दांडेकर नाम है मेरा, क्या? दांडेकर। अच्छा, चलता हूं। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट। अकरम, तो कमाल कर दिया कलाल भाई। अक्रम पठान की हत्या की खबर फ्रंट पेज पर छपी है। वाह, पढ़कर मजा आ गया। बलराज राणा का एक हाथ काट दिया तुमने, बहुत बहुत बधाई हो। ये तो शुरुआत है मंत्री, बधाई मुझे तुम उस दिन देना जिस दिन मैं बलराज राणा के लाश के छोटे छोटे टुकड़े बनाकर मुंबई शहर के हर गली में हर मोहल्ले में फिकवाऊंगा। शंकर, अरे यार शंकर, मान गए तुझे। अकरम पठान के लिए मुझे सुपारी देकर तूने ये साबित कर दिया कि जुर्म की दुनिया का ट्रैफिक कंट्रोल आज भी तेरे ही हाथ में है। सुपारी तो तू खा चुका है, अब अपना इनाम ले ले। ओ, ये लो 10 लाख पूरे हैं। थैंक यू नंदू, थैंक यू। अरे यार, इसमें थैंक यू की क्या बात है यार, तेरी मेरी दोस्ती इतनी गहरी है कि ये पैसे लेते वक्त मुझे बहुत शर्म आ रही है, लेकिन क्या करूं, पैसों के मामले में मैं बहुत कमीना हूं। हाँ, इसलिए तो पुरानी दोस्ती की परवाह किए बगैर अकरम पठान का रोल मैंने खलास कर दिया। कल में शाद 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 कल में शाद
आदमी तुम्हारा था, लेकिन थोड़ा टाइम इसने मेरे पास काम किया था। इसकी हत्या के बारे में जान के हमें बहुत दुख है। दुश्मनी अपनी जगह, इंसानियत अपनी जगह। इस वक्त हम अक्रम पठान को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। शंकर कलार, जो जुर्म कानून के रजिस्टर में नहीं लिखा जाता उसे बलराज राणा अपनी किताब में लिख लेता है, और फिर उस जुर्म का फैसला वो खुद करता है। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। माँ जी, मैं तो आपसे कभी मिली ही नहीं, तो भला आप मुझे कैसे पहचानेंगी? खैर कोई बात नहीं, मैं अपना परिचय आपको खुद ही देती हूँ। मेरा नाम नेहा श्रीवास्तव है। मैं उदय एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और मैं आपकी होने वाली बहू हूँ। जरा मैं भी तो देखूं, इस घर की होने वाली बहू है कौन? उदय के भैया और आप भाभी है ना? पाय लागू, उदय आप दोनों की बहुत तारीफ करता है। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, पर तुम्हारी और उदय की ये लव स्टोरी शुरू कब हुई? आउटडोर में, जैसे कि फिल्मों में होता है, हीरो हीरोइन पहले हिल स्टेशन में एक दूसरे से टकराते हैं, फिर प्यार हो जाता है, और यू नो बाद में गाना वाना तो वो गाते ही है। आउटडोर में मुलाकात भी हो गई, प्यार भी हो गया, कहानी में इतना बड़ा ट्विस्ट भी आ गया, और उदय के बच्चे ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। अभी पूछता हूँ उदय से। उदय, उदय! भैया मैं यहाँ हूँ। हाय। हाय। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओहो, घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने अपने और तुम्हारे बारे में भैया भाभी और माँ को सब कुछ बता दिया है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी उदय। I'm also sorry भैया, लेकिन ये तो इत्तफाक की बात है ना कि हम दोनों में प्यार हो गया। लेकिन अब जाने भी दीजिए ना, जो होना था सो हो गया। हाँ बेटे, इसमें नाराज होने की क्या बात है, तू चाहे कुछ भी बोल, मुझे बहू बहुत पसंद है। बात पसंद और नापसंद की नहीं है माँ, बात उसूल की है। उल्लू के पट्टे, प्यार करना जुर्म नहीं है, करके छिपाना जुर्म है, और भाई से छिपाना तो बहुत बड़ा जुर्म है। भैया इसका मतलब आपको नेहा पसंद नहीं, मतलब तुम्हारी पसंद नंबर वन है। थैंक यू भैया, आपने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा कि सीने उल्टा हो गया। खैर बाकी की बातें बाद में होती रहेंगी। अच्छा भैया, कदम है अरमा जावा है मस्ती में हम है, दिल है दीवाना बैके कदम है अरमा जावा है मस्ती में हम है, आंखों में क्या है हल्का नशा है, दिल की गली में दिल भर बसा है, प्यार का करिश्मा है यार। करिश्मा है यार। ला 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 ला।
करम है, प्यार का करिश्मा है जगाए रंगीला मौसम ठंडी हवाएं सारे बदन में जादू जगाए कितनी हंसी है तेरी यादाएं देखे तुझे ही मेरी निगाहें प्यार का करिश्मा है यार हो दिल है दीवाना बैठे कदम है अरमा जवां है मस्ती में हम हैं आंखों में क्या है हल्का नशा है दिल की गली में दिल भर बसा है प्यार का करिश्मा है यार ओ प्यार का करिश्मा है नमस्ते अन्या भाऊ नमस्ते आपने तो मुझे बलराज राणा से मिलवाया नहीं लेकिन आज मैं एक ऐसी खबर लाया हूँ जिसे सुनकर तुम कहोगे कि मैं बलराज राणा कंपनी का वफादार हूँ अगर ऐसा बात है तो अपुन तेरे को बलराज भाई से मिलाएगा वो तो ठीक है मगर मैं जो खबर लाया हूँ उसकी कोई कीमत भी तो होनी चाहिए अगर खबर काम का हुआ और सच्चा हुआ तो तेरे को जितना पैसा मांगता है ना उतना मिलेगा अक्रम पठान का रोल शंकर कलाल के कहने पर उसके भाई नंदू कलाल ने फिनिश कर दिया इच्छाइला नंदू कलाल हेलो मैं अन्या कोली बोलता है तेरा भाई नंदू अभी अपुन के पास है उसको शमशान पहुंचाने का इंतजाम कर ले अन्या, तेरी और बलराज राणा की दुश्मनी मेरे साथ है तूने मेरे भाई को क्यों उठाया? चाइला अक्रम पठान का खून भूल गया तू? देख अन्या, अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो मैं तुझे और बलराज राणा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हे भड़वया, फोन पर गला फाड़ कर अपना बीपी मत बढ़ा। अपने भाई को लास्ट टाइम जिंदा देखना चाहता है ना तो बलराज राणा के फार्म हाउस पर आ जा। समझा के नहीं? अन्या क्या बात है भाई बलराज राणा ने नंदू को किडनैप कर लिया चलो जल्दी रुक जाओ तुम लोग बलराज राणा अरे मेरे भाई ने क्या कसूर किया था क्यों उसे किडनैप करवाया क्या बिगाड़ा तुम्हारा मेरे भाई ने छोड़ दो उसे अक्रम पठान ने भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था वो भी मुझे भाई की तरह प्यारा था शंकर कलाल समझ में आ गया कि मैंने तुम्हें क्यों यहां बुलाया है तुम गलत कर रहे हो बलराज राणा अक्रम पठान को मेरे भाई ने नहीं मारा हाँ नहीं मारा अब चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा शंकर कलाल तुम्हारे भाई की मौत का फैसला हो चुका है रोक
तुम्हारी बात तो समझ गया पेपलो गुंडो, लेकिन बलराज राणा हथियारों का धंधा करने के लिए कभी तैयार नहीं होगा। ये तुम कैसे बात करता है विठल राव? मैं तो ये समझता था कि बलराज राणा एक मोहरा है जिसका रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है, लेकिन तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम्हारे गैंग के सारे फैसले बलराज राणा करता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पेबलो साहब, आज जब बात निकल ही गई है तो नटवर बनारसी भी चुप नहीं रहेगा। विठल भाई को सीढ़ी बनाकर बलराज राणा खुद तो बन गया है अपराध जगत का बेताज बादशाह, और हम सबको बना लिया अपने हाथ का कठपुतली। तो इसका मतलब उसके सामने तुम्हारा पोजीशन कुछ भी नहीं, यू आर नथिंग बट अ बिग जीरो। नहीं पेपलो गुंडो नहीं, टाइम और सिचुएशन के हिसाब से कभी कभी गधे को भी अपना बाप बनाकर उसका पैर छूना पड़ता है। सीबीआई वालों ने मेरे खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी थी, मैं किसी भी वक्त लफड़े में आ सकता था, इसीलिए मैंने बलराज राणा को अपनी कुर्सी पर बिठाया। आई सी। रही पोजीशन की बात, तो गुरु और चेले के रिश्ते से मैं बलराज राणा का बाप लगता हूं, और बेटा चाहे कितनी भी बड़ी कुर्सी पर बैठ जाए वो बाप से बड़ा नहीं हो सकता। बलराज राणा आज जो कुछ भी है वो मेरी वजह से। तो फिर तो वो तुम्हारी बात टाल नहीं सकता। तुम ऐसा करो, उसके साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो, मैं उसको आर्म्स डीलिंग के लिए कन्विंस करेगा। ठीक है, डोंट वरी, 50 करोड़ का हवाला हमारे लिए बड़ी मामूली सी बात है। हाँ, अब कह दीजिए नेताजी से कि रुपया वक्त पर दिल्ली पहुंच जाएगा। हाँ बलराज भाई, बलराज भाई, यह मिस्टर पेब्लो गुंडो। नाइस मीटिंग है मिस्टर राणा। बलराज भाई, मिस्टर गोंडो का नाम तुमने तो सुना ही होगा। इचाइला, गोंडा साहब को कौन नहीं जानता, इंटरनेशनल मार्केट में हथियारों का सबसे बड़ा डीलर है ये। थैंक यू, हम आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर लाया मिस्टर राणा। आप तो जानता ही है कि हथियारों का होल वर्ल्ड में डिमांड बहुत बढ़ गया है। मिस्टर राणा, आप तो जानता है कि RDX और स्टैंडगन का इस्तेमाल आजकल इंडिया में खुलेआम हो रहा है, और अब इलेक्शन के टाइम इनकी ज्यादा जरूरत है। अच्छा, but I am not interested in such deadly weapons. But why don't you understand, Rana Sahab? आप इस एरिया के डॉन हैं, हवाला रैकेट के नंबर वन किंग हैं। एशिया में आर्म्स डिस्ट्रीब्यूशन को आपसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। इसमें बहुत प्रॉफिट है। You can earn millions of dollars. Shut up! घर आए हुए मेहमान की इज्जत करना हमारी तहजीब है, इसलिए तुम्हें यहां से जिंदा जाने दे रहा हूं। Get off from here. इसमें नाराज होने की क्या बात है मिस्टर राणा? अगर आपको आर्म्स डीलिंग नहीं करना है तो मैं किसी और को ऑफर कर दूंगा। हरगिज नहीं। अवाम के कत्लेआम का सौदा मैं तुम्हें किसी के साथ भी नहीं करने दूंगा। बेहतर है तुम हिंदुस्तान छोड़कर चले जाओ। बलराज भाई, इस कंपनी में अपनी कोई औकात है कि नहीं? तुमने बोला हफ्ता वसूली बंद करने को, अपुन ने वसूली बंद कर दी। तुमने बोला ड्रग्स का धंधा बंद करने को, अपुन ने धंधा बंद कर दिया। पर ये सब कब तक चलेगा? हे विठल राव, मेरे को लगता है तेरा खोपड़ी सटक गया है। इच्छाइला, वो तो बलराज भाई ने अच्छा किया जो पेपलो गोंडा का ऑफर टुकड़ा दिया। अनिया, तू चुप कर। जिस औरत के माथे पर वेश्या का लेबल चिपक जाता है वो सारी जिंदगी वेश्या ही रह जाती है। चाहे वो लाख पूजा पाठ करे, सावित्री नहीं बन सकती। हम गुंडे लोगों की जिंदगी वेश्या के माफिक है। चाहे 1000 अच्छाई का काम करे, कभी अच्छे नहीं बन सकते। घटिया और बेहुदा आदमी हो तुम। तुम्हारी इन गंदी दलीलों पर मैं अपने असूल नहीं बदल सकता। मैं पूछता हूँ कि हथियारों का धंधा करने में या ड्रग्स बेचने में बुराई क्या है? हवाले का धंधा भी तो गैर कानूनी है। हवाले के धंधे में हम किसी का कत्ल नहीं करते। तो फिर ये कुर्सी छोड़ो और संन्यास ले लो। तुम ये भूल गए हो कि तुम्हें ये कुर्सी पर मैंने ही बिठाया।
उंगली पकड़कर क्राइम वर्ल्ड का ABCD तुम्हें इसलिए नहीं सिखाया कि तुम मेरे ही बाप बनकर मेरे को ऑर्डर करेगा। तुम्हारी औकात क्या है? अगर मैं तुम्हारी पीठ पर हाथ नहीं लगाता तो आज तुम जेल की काल कोठरी में सड़ता रहता। ने तुम्हारे फेस पे जो थप्पड़ मारा था उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है विठल राव। तुम ये सोचो कि उसको खलास कैसे करेगा और फिर उसके बाद हमारे साथ आम डीलिंग का बिजनेस करके मल्टी मिलियनेयर बनने का सोचो। सोचो मैन, सोचो। गोंडो साहब इज राइट, लेकिन बलराज राणा का रोल खत्म करना इतना आसान काम नहीं है। उसका रोल फिनिश करने के लिए तुम्हें शंकर कलाल से हाथ मिलाना होगा। ए डांडेकर, लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया। शंकर कलाल हमारा दुश्मन है, वो हमसे हाथ क्यों मिलाएगा? अरे पॉलिटिक्स और अंडरवर्ल्ड में हालात के हिसाब से दोस्ती और दुश्मनी हो जाती है। यहाँ कल का जानी दुश्मन आज का वफादार दोस्त भी बन सकता है। ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है डांडेकर। बलराज राणा और विठल राव के बीच अगर दुश्मनी हो गई है तो समझो हमारा काम और भी आसान हो गया है। इसी दुश्मनी में किसी एक का रोल फिनिश हो जाएगा। विठल राव के एहसान के बदले में बलराज राणा ने उसे तमाचा मारा है। विठल राव उसे छोड़ेगा नहीं। फिलहाल तुम बलराज राणा के बारे में सोचो, जो पूरे एशिया में हवाला धंधे का बेताज बादशाह माना जाता है। करोड़ों की हेरा फेरी करता है वो। हाँ, तुम्हें अपना नाम ऊपर लाने के लिए उसके नाम और काम दोनों को तबाह करना होगा। बिल्कुल ठीक कहा मंत्री जी ने, इसलिए तुझे विठल राव के साथ समझौता कर लेना चाहिए, क्योंकि ये साला विठल बलराज राणा का हर सीक्रेट जानता है। आज्ञा। उस हरामी की औलाद के साथ मैं समझौता कर लूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता दांडेकर। अरे यार, अकल का दरवाजा खोलकर मेरी बात को अपनी खोपड़ी में घुसाने की कोशिश कर। दुश्मनी दिल में रखकर भी दुश्मनों से हाथ मिलाया जा सकता है। हाँ,
नौकरी तेरे को देख देख मेरा दिल करता है धक धक क्या रूप में तेरे जादू अया दूर दूर क्यों जाता दुश्मनों को तो शायद मैं कभी माफ कर दूं, लेकिन वतन के दुश्मनों को नहीं, डोंट किल मी, मैं कभी माफ नहीं कर सकता। नहीं, प्रणाम। अरे रे रे। उदय कैसा है तू? मैं ठीक हूँ भैया। बड़े दिनों के बाद भैया की याद आई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि
अजय ने आने से मना कर रखा हो। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं, और मैं बच्चा थोड़ी हूं कि अजय भैया के कहने से मैं आपसे नहीं मिलूंगा। घर में सब कैसे हैं? माँ, भाभी, पिंकी सब आपको बहुत याद करते। तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है भैया। एक काम कर, तू ग्रेजुएशन कर ले, उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए मैं तुम्हें स्टेट्स भेजूंगा। थैंक यू भैया। अरे तू किसी खास काम या किसी जरूरत के लिए तो नहीं आया? नहीं भैया, आपको याद होगा कल बाबूजी का श्राद्ध। बाबूजी का श्राद्ध मैं कैसे भूल सकता हूँ? माँ ने कल घर आने के लिए कहा भैया। माँ से कहना मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। मैं चलू? अरे अभी आए हो, अभी जाने की बात कर रहे हो, रात का खाना आज मेरे साथ खा के जाओ। नहीं भैया, आप तो जानते हैं खाना माँ के साथ ही खाते। ठीक है, माँ को मेरा प्रणाम कहना और सबको मेरा प्यार देना। प्रणाम भैया। जीते रहो। की दया से बाबूजी आप बिल्कुल ठीक हो गए। ये तो ठीक है बेटा, पर ये तने बड़ा अच्छा किया जो तू इलाज के लिए मुझे शहर में ले आया है। अजय बेटा, बहुत दिन हो गए, अब हमारा गांव जाने का इंतजाम करवा दे। इतनी जल्दी गांव जाने की क्या जरूरत है बाबूजी? आपकी तबीयत ठीक हो गई है मगर कमजोरी अभी भी है। आप एक काम कीजिए, 2-3 महीने यहाँ आराम से ठहर जाइए, फिर गाँव चले जाइएगा। 2-3 महीने? हाँ बाबूजी, आप कुछ दिन रह जाइए, मैं गाँव चला जाता हूँ। मैं आप क्यों जाएंगे भैया? अरे मैं भी यहाँ रुक गया तो फिर गांव में खेती बाड़ी कौन देखेगा? ये सब मैं नहीं चाहता बाबूजी। एक केस के सिलसिले में मुझे कोर्ट में जाना है, शाम को घर में चैन से इस विषय में बात करेंगे। ठीक है भैया, बाबूजी को घर ले जाइए, मैं चलता हूँ। अच्छा बाबूजी। ठीक है बेटा, आइए। ठीक है। अच्छा बाबूजी, शाम को मैं जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा बेटा। समझाना बेटा राव, अब बात बहुत आगे बढ़ गई है। एक ही हफ्ते में अपुन का ये तीसरा छोकरा है जिस पर शंकर कलार और भीम कलार के छोकरों ने हमला किया है। हाँ बिठल भाई, बाबू टकले की जान तो बच गई है, लेकिन मालूम है डॉक्टर ने क्या कहा है? अब कलाई वो अपना पैसे चल नहीं सकेगा। अच्छा है भीम कलाल और शंकर कलाल खुलकर मैदान में आ गए। अंडर वर्ल्ड में अगर अपोजिशन स्ट्रांग ना हो तो गेम खेलने का मजा नहीं आता। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। मैं शंकर कलाल का बड़ा भाई भीम कलाल। तुमने मेरे भाई को गिरफ्तार करवाया और मैंने तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि मैं जानता है तुम इस शहर में नया है, तुमको मेरे नाम और काम के बारे में कुछ पता नहीं होगा। चाहता तो मैं तेरे को अपने पास बुला सकता था, लेकिन मेरी इंसानियत देखो, मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आ गया समझाने के लिए कि दूसरों के लफड़े में पड़कर अपनी जिंदगी खतरे में डालना कोई अकलमंदी नहीं है। क्या कहना चाहते हो तुम? यह बंबई बहुत खतरनाक शहर है, यहां आंख और कान खुला रखने का, पर जुबान हमेशा बंद रखने का।
तुम्हारी गवाही से मेरे भाई को सजा भी लग जाए तो तुम्हें क्या फायदा? सरकार की तरफ से तुम्हें कोई पद्मश्री नहीं मिलने वाला। तुम शरीफ आदमी हैं और शरीफ आदमी को रिक्शा की कोटे से, शराब के अड्डे से और गुंडों की लफड़े से दूर रहना चाहिए। देरो, बैगला। जी भाई, ये लो। इसमें पूरे 5,00,000 रुपए हैं जो तुम्हारे काम आ सकते हैं। कोर्ट में गवाही देने का ख्याल दिल से निकाल दो और अपने माता पिताजी को साथ लेकर वापस गांव चले जाओ। तुम समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? तुम्हारा जवाब तो मुझे मिल गया, लेकिन अब जो जवाब मैं दूंगा वो तुझे बहुत भारी गिरेगा, बहुत भारी। Get out, you rascal! Get out! पेश किए गए सबूत और चश्मदीद गवाह बलराज सिंह राणा के बयान से यह बात साबित हो चुकी है कि शंकर कलाल ने विठल राव को जान से मारने की कोशिश की, जो कि एक संगीन जुर्म है। इसलिए यह अदालत मुलजिम शंकर कलाल वल्द जगदीश कलाल को इंडियन पिनल कोड की धारा 307 के तहत मुजरिम करार देते हुए 10 साल कैद बामुशक्कत का हुक्म देती है। तुम इतने सालों से यहाँ कैसे जिंदगी गुजार रहे हो? ये तो सच है भैया कि ये शहर इंसानों का जंगल है। मैं भी जब यहाँ ट्रांसफर होकर नया नया आया था तो मुझे भी बड़ा अजीब लगता था, मगर धीरे धीरे आदत। अब गांव और शहर की जिंदगी में फर्क तो होगा ही भाई साहब। जो शांति गांव में मिलती है वो यहाँ नहीं मिल सकती। खैर बाबू जी, आप अपना पूरा ख्याल रखिएगा। ओ बेटा, तुम मेरी चिंता ना करा कर, ध्यान तो तू रखा कर अपना। दिन रात गुंडे बदमाशों से वास्ता पड़ता है तेरा। बाबूजी, संजय, बाबूजी को संभाल।
भैया मुझे आपको यहां इस हालत में देखकर बहुत दुख हो रहा है। अजय जो कुछ हुआ है मैं उसके लिए शर्मिंदा नहीं हूं। अगर बाबूजी के हत्यारे को मैं जिंदा जाने देता तो मैं खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर सकता था। अब कानून मुझे उम्र कैद की सजा सुना दे या फांसी के फंदे पर चढ़ा दे, मुझे अपने अंजाम की कोई परवाह नहीं। पर मेरे को तुम्हारी परवाह है बलराज भाई। मर्डर केस में अगर आई विटनेस ना हो तो केस अंधे कानून के माफिक कमजोर हो जाता है। बलराज भाई ने भीम कलाल को मारा ये किसी ने नहीं देखा। बलराज भाई ने मेरी जान बचाई इसीलिए मैं उन्हें कानून से छुड़ाने आया। वकील साहब, इंस्पेक्टर साहब को बेल ऑर्डर बताना। ये लीजिए। गायतों दे, छोड़ दो इन्हें। मेरी लाइफ का स्विच ऑफ होने से बचाकर तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया बलराज भाई, इसीलिए मैंने तुम्हें जामीन पर छुड़ा लिया। अभी डरने का नहीं, इंडिया में मर्डर केस का फैसला जल्दी नहीं होता है, तब तक कोई ना कोई गेम करके जज को पटा लेंगे, लेकिन तुमको सजा नहीं लगने देंगे। बलराज भाई, अब आगे के बारे में क्या सोच रहे हैं? ईश्वर ने मेरे बाबूजी को मुझसे छीन लिया, अब मैं अपनी मां को साथ लेकर गांव चला जाऊंगा। अब तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम जिधर भी जाओगे कलाल कंपनी के लोग मौत बनकर तुम्हारा पीछा करेंगे, और मौका मिलते ही तुमको खलास करने को ट्राई करेंगे। तुम्हारे पिता का खून एक एक्सीडेंट था, वो लोग का टारगेट तुम थे और तुम अभी तक जिंदा। अगर तुम गांव चले गए तो वो लोग तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारे भाई पे हमला कर सकते हैं। इस ससुरी मुसीबत तो तोहरा परिवार के साथ जुड़ गई है बलराज भाई, कोई भी कहीं भी टपक सकता है। अब तोहरा कलाल कंपनी के लोगों से मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा। अगर तुम जीना चाहते हो और अपनी फैमिली को मरने से बचाना चाहते हो तो इसे अपना साथी बना। बदनामी रक्षे माचल माचल आयुष्मान भव। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्ववस्तां गतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षां सवाभ्यांतर सुचि। ओम पुंडरीकाक्षां कुनातु, ओम पुंडरीकाक्षां कुनातु। ओम अद्यत्तस्य ब्राह्मणो हिम द्वितीय प्रारार्धे श्री श्वेत वाराकल्पे जम्मू दीपे भारत वर्षे आर्यावर्ते देशांतर्गते मासानाम उत्तमे मासे कुमार मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमायां तितौ पिंड संकल्प मम पिता श्राद्ध पूजां करिष्याम। यजमान जी, पिंडों पर जल सिंचन कीजिए। ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु। अब दूध और मधु से पिंडों का प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। ओम पह पृथिव्याम पयो अशो दिशु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधा पयस्वती प्रदीशतु संत महियम मधु द्योरस्तिनः पिता। ओम मधु मधु मधु। अपने कान पर खुश रखिए। अब पिंड को अपने हाथों में लीजिए। नमो वह पित्रो जीवाय नमो वह पित्रो घोराय नमो वह पित्रो पिंडाय नमः पाद्योः पाद्यम् अस्ते अर्घम् मुखे आचमनीयम् समर्पयामि। आप लोग पुष्प अपने हाथों में लीजिए। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलि मया दत्ता गृहान परमेश्वर। आप लोग अपने स्वर्गीय पिताजी को पुष्प समर्पित कीजिए। ओम पित्राय नमः पुष्पम् समर्पयामि। बहुजी, एक पात्र में दूध लेकर आइए। जी, लाती हूँ। माँ जी, आप थोड़ा सा गंगा जल ले आइए।
लाती हूँ पंडित जी। आप लोग अपने पिताजी की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। कैसे भैया? डॉक्टर साहब मेरा बेटा कैसा है? ठीक तो है ना? माँ जी चिंता की कोई बात नहीं है, ऑपरेशन कामयाब हो चुका है। होश आने के बाद आप अपने बेटे से मिल सकती हैं। बैठ जाओ माँ। मिस्टर अजय एक मिनट। बैठाओ। यस। देखिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, 8 घंटे के अंदर अगर बलराज राणा को होश आ गया तो बच सकते हैं, वरना कुछ भी हो सकता है। लेट अस वेट एंड सी। बलराज राणा को टपकाने में कोई मिस्टेक नहीं किया, पर 20 गोलियां खाने के बाद भी वो साला मरा नहीं, इसमें उनका क्या गलती है? गलती है, पुलिस वालों को गोलियों का हिसाब देना पड़ता है। तूने गोलियां चलाने में क्यों कंजूसी की? तेरे को इधर गोलियों का हिसाब देना था क्या? सर से पैर तक साले को भून क्यों नहीं डाला? अभी तक तो वो साला जिंदगी और मौत के बीच लटका हुआ है, अगर वो बच गया ना तो हम सब के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सॉरी भाई, नेक्स्ट टाइम मैं उसको छोड़ेगा नहीं। नेक्स्ट टाइम किसने देखा है? आधा गेम बजाकर तूने हम सबको लफड़े में डाल दिया। विट्टल भाई, विट्टल भाई प्लीज मेरे को माफ कर दो। विट्टल भाई अभी अपने से दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगा। विट्टल भाई प्लीज प्लीज विट्टल भाई। Thank you.
आजकल हुलिया बता देने से कंप्यूटर में फोटो बन जाता है, इसीलिए मैंने इसका मुंडन कर दिया। अब इसको कोई नहीं पहचान पाया। यार उदय, उस कातिल का चेहरा तो तूने देखा होगा। अच्छी तरह याद है, मैं तो को हजारों के बीच में भी पहचान लूंगा। नमस्ते माँ जी। भाभी जी नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते बेटा, आओ। माँ जी, सर से मिलना है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, मैं आपसे बलराज राणा केस के सिलसिले में कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ। कहो क्या बात है? सर, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि विठल राव, जो कुछ दिन पहले तक बलराज राणा का दोस्त था, आजकल उसकी शंकर कलाल के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। तुम कहना क्या चाहते हो? सर, दोस्त जब दुश्मन से दोस्ती कर ले तो फिर दोस्त नहीं रहता। मेरे ख्याल से बलराज राणा पर जो कातिलाना हमला हुआ है, उसके पीछे शंकर कलाल के साथ साथ विठल राव का भी हाथ है। अगर आप कहें तो मैं दोनों को गिरफ्तार कर लूं। किस बुनियाद पर तुम उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हो? किस बुनियाद पर? हमारे पास उनके खिलाफ ना कोई सबूत है ना कोई गवाह है। आज तुम उन्हें अरेस्ट करोगे, कल वो कोर्ट से बेनिफिट ऑफ डाउट पर छूट जाएंगे, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे उनका, कुछ नहीं। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों ने बड़े भैया को जान से मारने की कोशिश की, उसे कानून कभी नहीं पकड़ पाएगा। तुम्हारा ये सोचना बिल्कुल गलत है उदय। अपराधी चाहे कितना ही चालाक क्यों ना हो, उसका अंत कानून के कदमों में ही होता है। कुछ मुजरिम ऐसे होते हैं भैया, जो अपने पीछे जुर्म का निशान कभी नहीं छोड़ते। ये शंकर कलाल और विठल लाल उन्हीं में से एक है। भैया, अगर आप सबूत और गवाह के भरोसे बैठे रहे तो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अरे मैं तो कहता हूं भैया, उन दोनों को उठाकर लाइए, लॉकअप में डालिए और इतना मार मारिए कि वो खुद ब खुद अपना जुर्म कबूल कर ले। मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तुम मुझे मेरी ड्यूटी मत सिखाओ। भैया, मैं आपको कोई ड्यूटी नहीं सिखा रहा, मगर सच तो यह है कि आप इस केस में कुछ करना ही नहीं चाहते, क्योंकि जिस आदमी के सीने में गोली लगी है वो आपका सगा भाई होते हुए भी आपका भाई नहीं है। वो आपकी नजर में सिर्फ एक मुजरिम है, सिर्फ एक मुजरिम है वो। उदय, ये क्या बकवास कर रहा है? बड़े भाई से कोई इस तरह बात करता है? अजय बलराज से नहीं, उसके पेशे से नफरत करता है। तू क्या समझता है बलराज के साथ जो कुछ हुआ उसका दुख इसे नहीं है? इसे कुछ मत कहो मां, अजय जो कुछ भी बोलना चाहता है इसे बोल लेने दो। देखिए, आप इसकी बात का बुरा मत मानिए, ये तो अभी बच्चा है। आपको देर हो रही है, आप ऑफिस जाइए। नहीं सुजाता, इसने जो कुछ कहना था वो तो इसने कह ही दिया। अब कुछ बातें मैं भी इसे समझा दूं। देखो उदय, तुम्हारे दिल में मेरे बारे में जो गलत फहमी है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और यह बात भी सच है कि मेरे और बलराज राणा के बीच पुलिस और मुजरिम का रिश्ता है, सिर्फ पुलिस और मुजरिम का। क्योंकि मेरे लिए खून के रिश्ते से ज्यादा अहम, ज्यादा अजीज मेरा अपना फर्ज है। बलराज राणा के साथ जो कुछ भी हुआ यह उनके अपने कर्मों का फल है, क्योंकि जो लोग दूसरों की छाती पर गोलियां बरसाते हैं एक दिन उन्हें अपने सीने पर भी गोलियां खानी पड़ती हैं। यही इस दुनिया का उसूल है जिसे कोई नहीं बदल सकता। चलो गौतम। अबे प्रताप कलाल बोल रहा हूं, प्रताप कलाल। अबे किधर है तेरी हीरोइन? साला उसके इंतजार में पूरी बोतल खाली कर दी मैंने, अभी तक नहीं आई वो। अभी तेरे को बोला ना कि तेरे फाइनेंस का बंदोबस्त कर डालूंगा मैं, तो कर डालूंगा। तू मेरे ऐश का इंतजाम कर डाल, मैं तेरे कैश का इंतजाम कर डालूंगा। हे सुन, लगता है सुंदरी आ गई, तेरे से बाद में बात करता हुआ। हे राजू। हाँ भाई। जा जाके दरवाजा खोल, लगता है मेरी सुंदरी आ गई है। खोलता हूँ भाई।
ले साले, जितना मारना है। मैं प्रताप कलाल, शंकर कलाल का भाई हूं। तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। साले हिजड़े, धमकी देता है। अबे क्या बिगाड़ेगा तू और तेरा भाई? अगर तू शंकर कलाल का भाई है तो मैं भी बलराज राणा का भाई हूं। चल तेरे भाई को फोन लगा। मेरा फोन लगा था। बलराज राणा का इस गंभीर हालत में बचना बहुत मुश्किल है। उसका रोल जरूर फिनिश हो जाएगा। हेलो भाई साहब, मैं प्रताप बोल रहा हूं। क्या बात है प्रताप, कहां से बोल रहा है तू? अरे इतना घबराया हुआ क्यों है तू? मैं जब मौत सामने खड़ी होती है ना शंकर कलाल, तो बड़े बड़े भाइयों की बोलती बंद हो जाती है। कौन है तू? बलराज राणा का भाई उदय। मेरे भैया को कुछ हो गया ना शंकर कलाल, तो तेरे भाई की लाश का गिफ्ट पैकेट बनाकर मैं तेरे पास भेज दूंगा। क्या बात है, किसका फोन था? बलराज राणा के भाई उदय का। उस हराम के पिल्ले ने प्रताप को किडनैप कर लिया। यशवंत जी भाई, गाड़ी निकाल। शंकर भाई, अबे छोड़ो मुझे, रास्ते में बता रहा। बस देखिए इतनी हिम्मत जो मेरे भाई को उठा लिया, सारे का पूरा खाना तबाह कर दूंगा। जोश में आ गया शंकर, जोश में आदमी गलती कर बैठता है। शंकर भाई तुम परेशान मत हो, हम लोग है ना। अरे तुझे क्या लगता है कि उदय ने प्रताप को अपने घर में छिपा कर रखा है? अरे उसके घर में नहीं तो कम से कम बलराज राणा के बंगले में होगा, कहीं ना कहीं मिलेगा। मुझे छोड़ दो मुझे। पागलपन मत कर, शहर में रेड अलर्ट है, कर्फ्यू लगा हुआ है, चारों तरफ नाका बंदी है, कहां जाएगा तू? शंकर भाई दांडेकर साहब ठीक कह रहे हैं, शहर में गैंगवार शुरू हो चुका है। हाँ शंकर भाई, पूनम बियर बार में बलराज राणा के आदमी लोग ने अपने पांच छोकरों को टपका डाला। इस टाइम तुम्हारा बाहर जाना बहुत डेंजरस है। अरे तुम क्या चाहते हो कि यहाँ बैठकर अपने भाई के डेड बॉडी का इंतजार करूं? सुन शंकर, तेरा भाई भी मेरे भाई जैसा है, और मेरे होते हुए वो साला उदय उसका रोल फिनिश नहीं कर सकता। मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, कहीं भी आसानी से जा सकता हूँ। मैं जाकर पता लगाता हूँ कि उस साले उदय ने प्रताप को कहाँ छिपा कर रखा है। हाँ डांडेकर ठीक कह रहा है, ये काम उसे करने दो, तुम जाओ। ओके मैं चलता हूँ। चलो क्या रे यम सिंह, तेरे को पेक बनाने को नहीं आता? अखा सोडा डाल दिया। सॉरी साहब, अभी बनाता हूँ। थोड़ा विस्की डाल। लो साहब, आपने फर्स्ट टाइम मेरे को आज एमसी बोला। तो क्या हुआ, कुछ गलत बोला मैंने? साहब आपने मेरे को गाली दिया। गाली? अरे मेरे एमसी का तूने गलत मतलब निकाला। पहले ये बता तेरा नाम क्या है? मंगेश चौहान। तो मंगेश चौहान का शॉर्ट फॉर्म क्या हुआ? एमसी हुआ क्या नहीं? साहब आपने बिल्कुल बराबर बोला साहब, इसका तो ऊपर का माला ही साहब खाली है। साहब आपका न्यू मुंबई का चांदनी बियर बार कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है ना साहब? अरे कदम, अब तो मैं मुंबई में 10 बियर बार खोलूंगा। क्या 10 बियर बार बनाएगा साहब? माल किधर से लाएगा? अरे घोड़ के, अपना तो उसूल है, जब तक ये वर्दी है ना तब तक जितना माल बना सकते हो बना लो, ताकि रिटायरमेंट के बाद ऐश और कैश की कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर शंकर कलाल का फोन हो तो उसको बोल देना साहब राउंड अप पे गए, राउंड अप कर देना साले बजा। हेलो पुलिस स्टेशन। हाँ मैं शंकर कलाल बोल रहा हूँ, जरा दांडेकर को फोन दे। जी वो दांडेकर सब तो इधर है नहीं, वो राउंड अप पर गए हैं सब। आने के बाद उसको मुझे फोन करने को बोलना। हाँ मैं कवे पे मिलूंगा। हाँ सब बोल देता हूँ मैं सब। जी सब जरूर सब। अच्छा सब, साहब वो शंकर कलाल का ही फोन था,
वो बोला साहब आएगा तो फोन करने को बोलना, मैं कौवे पे मिलूंगा। साहब ये कौवे का मतलब क्या होता है? अंडरवर्ल्ड की भाषा में मोबाइल फोन को कहते हैं कौवा। अच्छा साहब एक बात पूछूं, ये शंकर कलाल तो आपका दोस्त है, फिर आपने ये कदम को झूठ बोलने के लिए काय को बोला कि आप राउंडअप पे खेल आए? अरे वो साला हलकट, वो मेरा काय का दोस्त है? वो तो साला गुंडा है, गुंडा। उसके छोटे भाई को बलराज राणा के छोटे भाई ने किडनैप कर लिया, मतलब एक गुंडे के भाई को दूसरे गुंडे के भाई ने उठा लिया। अब इस लफड़े में मैं क्यों पढ़ू और अपनी नींद हराम करूं? अपने का तो मतलब है टिंग टिंग टिंग। बिल्कुल ठीक बोला साहब, बिल्कुल ठीक बोला। उदय के जितने भी दोस्त हैं उन सबके घरों की रात भर तलाशी लेता रहा, लेकिन प्रताप का कहीं भी पता नहीं चला। दांडेकर साहब तनिक अस्पताल में फोनवा तो करके देखिए, बलराज राणा जिंदा भी है कि सर्वा नरक से धार गया। हेलो। हाँ मैं इंस्पेक्टर दांडेकर बोल रहा हूँ। आईसीयू के रूम नंबर 504 में जो मरीज है उसकी हालत कैसी है? होल्ड ऑन इंस्पेक्टर, हम रजिस्टर देख के बताता है। देख कर बता रही है। अच्छा अच्छा। ओ नो इंस्पेक्टर, वो पेशेंट तो मर गया। क्या क्या हुआ? बलराज राणा का रोल फिनिश हो गया, वो इस दुनिया में ही नहीं रहा। शंकर धीरज से काम ले, लगता है तुम्हारे भाई की डेड बॉडी आ गई। ठीक तो है ना? अरे भगवान का शुक्र है कि उसने इसे जिंदा छोड़ दिया। लेकिन कैसे छोड़ दिया? बलराज राणा तो वो जिंदा है। क्या इतनी गोलियां खाने के बाद भी वो जिंदा है? चला अभी तक मरा नहीं। मेरे और बलराज राणा के इस लफड़े में उस छोकरे उदय को नहीं पड़ना चाहिए था, उसने ठीक नहीं किया। मैंने दांडेकर से सब मालूम कर लिया है भाई, वो साला कुतरिया विठल राव जाकर शंकर कलाल से मिल गया है और वो दोनों मिलकर आपका गेंद बजाने के लिए सुपारी किलर को भेजे थे। लेकिन भाई अपन भी चुप नहीं बैठा, अखा मुंबई बंद करवा डाला और उन सालों का बहुत सा छोकरा लोगों को टपका डाला। नकोली थोड़े दिन के लिए सब कुछ रोक दो, क्योंकि इस वक्त चीफ मिनिस्टर भी हमारा अपना है, सरकार भी अपनी है। गैंगवार को मुद्दा बनाकर अपोजिशन वाले कोई बावेला कर सकते हैं। आओ उदय आओ। प्रणाम भैया। अरे कैसा है तू? है मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे? मैं पहले से काफी ठीक हूँ। माँ कैसी है? वो तो दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करती कि आप ठीक हो जाए, और भगवान ने माँ की प्रार्थना सुन ली। ये माँ का ही आशीर्वाद तो है जो मैं बच गया। अरे वो गणपति की स्थापना है, तू मूर्ति ले आया ना? भैया इस साल तो इतनी बड़ी मूर्ति लेकर आऊं कि आप चौंक जाएंगे, लेकिन दुख इस बात का है कि हर साल आप आते हैं, इस साल आप नहीं आ सकेंगे। अरे दुख नहीं करते, देखो स्थापना पे नहीं आऊंगा तो मैं विसर्जन पे तो आऊंगा ना। भैया ठीक कहते, गणपति बापा के आशीर्वाद से भैया तब तक तो ठीक हो जाएंगे। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा।
रास्कल। What is this nonsense उदय? क्या है ये? कौन है ये? भैया पहचानिए इसे, भैया पहचानिए इसे। ये वही आदमी जिसने बड़े भैया पर गोली चलाई थी और आज मुझे जान से मारने की कोशिश की। ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु भारत वर्षे मासाना उत्तमे मासे कुमार मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमायां तिथौ पिंड संकल्प मम पिता श्रद्ध पूर्णां करिष्यामि। आपका कानून तो इसे पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाया, मगर मुझे उम्मीद है इसे सजा देने में नाकाम नहीं होगा। गौतम जी सर, इसे अंदर ले चलो। यस सर। कॉन्स्टेबल्स पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिनों से मुझे डर सा लगा रहता है। इस लड़ाई में अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। उदय क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम किसी तरह से भी अपने आप को इस गैंग वॉर से अलग कर लो? निहा, पुलिस और मीडिया के लिए गैंग वॉर होगा, लेकिन मेरे लिए गैंग वॉर नहीं, मेरे परिवार की लड़ाई है। एक बात पूछू निहा, तुम्हें अपने प्यार पे भरोसा है? मुझे कुछ नहीं होगा, मुझ पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। बोल बोल, बलराज राणा और उदय को मारने के लिए शंकर कलाल ने ही तुझे भेजा था ना? बोल। मैं किसी शंकर कलाल को नहीं जानता साहब। नहीं जानता? नहीं जानता, नहीं जानता। तेरा जिस्म लोहे का नहीं है, तू टूटेगा भी और बोलेगा भी, क्योंकि ऐसी भी राणा जब पूछते हैं ना तो मुर्दे के मुंह में भी जबान आ जाती है। तू अभी जिंदा है तो खुद अपनी जुबान से कबूल करेगा कि तुझे किसने भेजा था। मैं तुझे रात भर का वक्त देता हूं, बंद कर दो इसे। चलो ये खाना खा लो जल्दी। चलो ये जल्दी उठो, चलो ये फटाफट, चलो उठो ये खोल फटाफट, चलो उठ जा, चल चलो ये खाना दे उसको, चलो ये चलो उठ खाना खाने जल्दी, चल चल। भागे नहीं आना, आ गया है तो गोली मार दूंगा इसको। एए, भागने की कोशिश मत करना वरना गोली मार दूंगा। अबे हट, तू क्या गोली मारेगा मेरे को? एए, आगे नहीं आना नहीं तो इसका बेटा मार दूंगा। चल चल पीछे हट, हट। आ गया है तो शाने को गोली मार दूंगा। चल पीछे हट, आगे नहीं आना। तेरा रोल तो फिनिश हो गया रघु शेट्टी। आई डोंट वॉन्ट टू हियर एनी एक्सप्लेनेशन।
रघु शेट्टी अगर कांस्टेबल मंगेश को हॉस्टेज बनाकर ले जा रहा था तो तुम्हें उसके पैर पर गोली मारनी चाहिए थी, मगर तुमने उसकी पीठ पर गोली मारकर उसे जान से मार डाला। इट्स अ ब्लडी वेल प्लान्ड मर्डर। रघु शेट्टी को लॉकअप से फरार कराने के बहाने उसे जान से मार डालने की कितनी कीमत मिली तुझे? जवाब दे। अपने फर्ज और वर्दी का सौदा कितने में किया तूने? बिना किसी सबूत के आप मुझ पर बहुत ही घटिया इल्जाम लगा रहे सर। शट अप। खाकी वर्दी में छिपे जिस काले भेड़िए की मुझे तलाश थी वो तू ही है। तो जैसे पुलिस ऑफिसर की वजह से कानून की हैसियत एक मदारी के बंदर की तरह हो गई, जानते हो तुम? आपको मुझे इस तरह गाली देने का कोई अधिकार नहीं है सर। मुझे मेरे अधिकार के बारे में मत बताओ। जिस दिन मुझे तुम्हारे खिलाफ एक भी सबूत मिल गया ना, उस दिन मैं भरे बाजार में तेरी वर्दी उतार कर तेरे काले कारनामों का प्रोग्राम टेलीविजन पर पूरे हिंदुस्तान भर को दिखाऊंगा, ताकि तुझ जैसे बेईमान ऑफिसर तेरी ये हालत देखकर सबक ले सके। मेरे जूनियर ऑफिसर्स और कांस्टेबल के सामने उसने मुझे गाली दी, काला भेड़िया बोला। अब उसे पता चलेगा कि यह काला भेड़िया कितनी हरामी चीज है। शंकर, आज तक उसकी ठसन तुम लोगों के साथ थी, आज से मेरे साथ है। मैं उसके खानदान की वाट लगा दूंगा। देख दांडेकर, तुझे जो करना है कर, मैं तेरे साथ हूं। हेलो। हेलो, हम उदय से बात कर सकता हूँ का? हाँ, मैं उदय बोल रहा हूँ। कौन हो तुम? हम तुम्हारे बलराज भैया का खास हम खास आदमी हूँ। बड़े भैया का आदमी? हमारा नाम मुन्ना तिवारी है, हमी ने तुमको फोन किया था। लेकिन बड़े भैया के साथ मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। अरे नहीं बूझते हो, बलराज राणा कुछ स्पेशल काम के लिए कुछ स्पेशल लोगों को छुपा के रखते हैं। लेकिन जिन लोगों ने बड़े भैया पर कातिलाना हमला करवाया था, तुम उनके खिलाफ मुझे कुछ सबूत देना चाहते थे। सबूत? आओ बताता हूं। ये देखो, लेकिन ये तो स्टेनगर है, इसका मैं क्या करूं? स्टेनगन, वो भी AK-56? ये सर, ये गन मेरा नहीं है सर। सर ये गन इसका है सर। सर ये मेरा गन नहीं है सर। सर ये गन मेरा नहीं है। क्यों रे हैं? ये हथियार कहां से आ गए तेरे पास? ये तो साहब से पूछो आप, हम तो नौकर आदमी हैं साहब, हमको पता नहीं कि हथियार कहां से लाए हैं आप। अबे ये नाटक क्या कर रहा तू? इंस्पेक्टर साहब, इसी आदमी ने फोन करके बुलाया था। झूठ बोल रहा है ये आदमी। अच्छा, किसने तुझे बुलाया था? चिल्लाकर बात मत कर, गिरफ्तार करो इसे। इंस्पेक्टर, तू जानता मैं कौन हूं? नहीं, मैं तो नहीं जानता कि तू कौन है। तुम में से कोई जानता है कि ये कौन है? सर, ये ACP अजय सिंह साहब का छोटा भाई। आए! माफ करना भाई, अनजाने में गलती हो गई हमसे। अपने भैया से शिकायत मत करना, वरना हमारी नौकरी चली जाएगी। इंस्पेक्टर, तेरा भाई ACP है, इसलिए मुझ पर धौस जमा रहा है? कानून के नजर में मंत्री और संतरी दोनों बराबर के होते हैं। कुछ नहीं कर पाएगा तेरा भाई, क्योंकि तू रंगे हाथ पकड़ा गया है। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, मेरा नाम नजीर कास्कर है, मैं बिल्डर। ये सारी बिल्डिंगें दरअसल मेरी बनाई हुई हैं। काफी अच्छे से ये कार यहां पर खड़ी हुई थी और ये दोनों लड़के यहां खड़े हुए बात कर रहे थे, इसलिए मुझे शक पैदा हो गया। क्या है ना इंस्पेक्टर साहब, जमाना आजकल जरा खराब है, हो सकता है इस कार में RDX हो या बम रखे हों, इसलिए मैंने मुनासिब यही समझा कि आपको फोन करके यहां पर बुला लिया जाए। हम आपको सब कुछ सच सच बता देता हूँ। कहा साहब कि हम बलराज राणा के यहाँ काम करता हूँ, और साहब ये भी सच है
कि हथियार जो है ना बनारस दाना का है। ये उदय आए हमसे कहने लगे कि हथियार कहीं छुपा दो। अच्छा हाँ, हमने कहा देखो साहब ये बात तो सही है कि हम बनारस दाना के यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन ये विदेशी हथियार छुपाने का जोखिम हम नहीं उठा सकते। साहब अभी ये बात हो ही रहा था कि तब तक आप आ गए। ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है कभी ना। तेरा रोल तो अब फिनिश हो जाएगा, तुझे टाड़ा लगेगा टाड़ा, और सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बीत जाएगी। जब तू बाहर आएगा ना तब तेरे ये बाल भी सफेद हो जाएंगे, सफेद। ले चलो इसे। बलराज राणा के साथ कब से काम कर रहा है? बोल। मैंने कितनी बार आपसे कहा कि मैं उनके साथ काम नहीं करता हूं? झूठ बोल रहा है तू। बोल, इतने सारे विदेशी हथियार तेरे पास कहां से आ गए? मेरा उन हथियारों के साथ कोई वास्ता नहीं है। कोई वास्ता नहीं है? तू क्या समझता है, तू एडिशनल कमिश्नर का भाई है इसलिए जो जी में आया वही करेगा? तुझे पकड़ने वाला कोई नहीं है, है? कानून किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो एडिशनल कमिश्नर का भाई हो या प्रधानमंत्री का। कानून वही करता है जो उसे करना चाहिए। साहब साहब, क्या बड़े साहब आ रहे हैं? इसी पी अजय सिंह जो अपनी ईमानदारी और फर्ज के लिए सारे पुलिस डिपार्टमेंट में एक मिसाल है। जब उन्हें पता चलेगा कि उनका भाई एक देशद्रोही है तो शर्म के मारे उनकी गर्दन झुक जाएगी, वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तुमने उनके मुंह पर थूक दिया है, थूक थूक दिया साला। आइए सर, संभालिए अपने भाई को। सॉरी सर, इसे मारते वक्त मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन यह सबक मैंने आप ही से सीखा है कि मुजरिम चाहे अपना भाई हो या बाप, उसके साथ मुजरिम जैसा ही सुलूक करना चाहिए। इसने मुझे तो कुछ नहीं बताया, शायद आपको बता दे। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया भैया जिससे आपके सम्मान को ठेस पहुंचे। मुझे सब पता चल चुका है, मगर किसी अनजान आदमी से मिलने के लिए जाने की तुम्हें क्या जरूरत थी? अगर ऐसी वैसी कोई बात थी तो मुझसे मशवरा कर लिया होता। किसी अजनबी आदमी ने तुम्हें फोन किया और बस तुम चल दिए यूं? अजय अजय, ये सब क्या हो रहा है? इसे क्यों बांध के रखा है? मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मुझे बहू ने सब कुछ बता दिया। मेरा बेटा देशद्रोही नहीं हो सकता बेटे, इसे छोड़ दे, इसे छोड़ दे बेटे। मैं इसे नहीं छोड़ सकता माँ। क्यों नहीं छोड़ सकते? गैर कानूनी हथियारों के साथ पकड़ा गया है ये माँ, सारे सबूत और गवाह इसके खिलाफ हैं। इतना तो आप भी समझते हैं भैया कि सबूत और गवाह सब झूठे हैं, उदय को फंसाने के लिए बलराज भैया के दुश्मनों की ये चाल है। मैं जानता हूँ ये सब, मगर उस चाल के जाल में फंस चुका है ये उदय। चलो माँ, मुझ पर भरोसा रखो। नहीं। मैं हूं ना माँ, इसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। नहीं बेटे नहीं, पहले इसे छोड़ दे तभी मैं जाऊंगी। चलो माँ, मेरा यकीन करो, मैं इसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलो चलो, 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 चलो। बेटे, बेटे। चलो।
गुड मॉर्निंग सर। मैंने जो चार्जशीट पेश किया है वो तो आपने पढ़ा ही होगा सर। यस। इस केस में इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अजय साहब का छोटा भाई उदय उन्हीं के साथ रहता है और मुन्ना तिवारी के बयान से ये साबित हो चुका है कि वो एक टेररिस्ट है। अच्छा। और इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता सर कि अजय साहब ने एक देशद्रोही को अपने घर में पनाह दे रखी थी। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो आम आदमी हो या पुलिस ऑफिसर। इसलिए एसीपी अजय सिंह राणा के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी सर। फिलहाल तुम बलराज राणा को टाडा के तहत फौरन हिरासत में ले लो। जी सर। और ये रहा उसकी गिरफ्तारी का वारंट। थैंक यू सर। इच्छा इलाज में नजीर कासकर को नहीं छोड़ेगा भाई। जब उसको फाइनेंस का जरूरत था तो तुम्हारे आगे पीछे तुम ही लाता फिरता था, और जब टाइम निकल गया तो रान का माफक विठल राव और शंकर कलाल के गोद में जाकर बैठ गया और तुम्हारे उदय के खिलाफ मेन विटनेस बन गया। दीचा माइला सोना नहीं मैं। भाई मैं उदय को मिलने कल पुलिस स्टेशन गया था, पर अजय साहब ने मेरे को उसे मिलने नहीं दिया। और आज के अखबार में आया है कि उदय को टाडा भी लग सकता है। हमारे होते हुए उदय को कुछ नहीं होगा निया। मैं जानता हूं नजीर कासकर को मोहरा बनाकर विठल राव और शंकर कलाल ने हमारे खिलाफ साजिश की है। वो ये नहीं जानते कि फूंक मारकर दिया सलाई तो बुझाई जा सकती है लेकिन आग का सैलाब नहीं। हे, क्या है? चलो बाहर, चलो चलो। सॉरी बलराज भाई, यू आर अंडर पुलिस कस्टडी। अब पर टाडा लग चुका है। तुम्हारा भाई तुम्हारे घर में रहकर गैर कानूनी हथियारों का धंधा करता रहा और तुम्हें इस बात की खबर नहीं? ये कैसे संभव? हाउ इज इट पॉसिबल? उदय की गिरफ्तारी को लेकर अगर आप मेरी ईमानदारी पर शक कर रहे हैं तो मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता सर। मगर अपनी सफाई में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, मेरा भाई निर्दोष है। बलराज राणा के किसी भी धंधे से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारी ये बात मैं मान लूंगा लेकिन कानून नहीं मानेगा। और तुम इस बात को अच्छी तरह जानते हो कि किसी भी टेररिस्ट को अपने घर में पनाह देना कानूनन एक जुर्म है। आई अंडरस्टैंड सर। तुम्हारे खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी, तब तक के लिए मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूं। सॉरी अजय, यू कैन गो नाउ। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? आप चुप क्यों हैं? कुछ बताइए तो सही। जो कुछ भी हुआ है उसे तो होना ही था सुजाता। मैं जानता था कि बलराज राणा का रिश्ता जब तक इस घर से बना रहेगा तो एक न एक दिन उनके जुर्म का तेजाब हमारे घर की खुशियों को जलाकर राख कर देगा। इसीलिए मैं मां को बार बार समझाता रहा कि उन्हें इस घर में आने से मना कर दो, मगर मां ने मेरी बात को कभी सीरियसली नहीं लिया। एसीपी अजय सिंह राणा जो अपनी ईमानदारी और फर्ज के लिए एक मिसाल है, आज उसे एक देशद्रोही को अपने घर में पनाह देने के इल्जाम में सस्पेंड कर दिया गया। ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं मैं, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। इस घर को बर्बाद करने का जिम्मेदार सिर्फ बलराज राणा है, सिर्फ बलराज राणा। देखिए, आपने कोई जुर्म नहीं किया है, इसमें परेशान होने की क्या बात है? भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? कुछ ठीक नहीं हो सकता सुजाता। मेरे खिलाफ इंक्वायरी बैठेगी और अगर मैं अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, हो सकता है मुझे जेल भी जाना पड़े। मेरा बेटा जेल नहीं जाएगा। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, ऊपर वाला इतना निर्दय नहीं है। देखिए, आपने जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया है, फिर भगवान हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकता। बार बार मेरे सामने भगवान का नाम मत लो। इस भगवान नाम की चीज पर अब मेरा कोई विश्वास नहीं रह गया, क्योंकि अगर इस दुनिया में भगवान नाम की कोई शक्ति होती तो इस वक्त हमारा उदय सलाखों के पीछे नहीं होता और मुझ पर देशद्रोही होने का इल्जाम नहीं लगता।
इस दुनिया में भगवान भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, वरना बलराज राणा के पापों की सजा मुझे और उदय को नहीं मिलती। क्या हुआ? अरे क्या हुआ माँ को? माँ, माँ जी, माँ क्या हुआ? माँ क्या हुआ? माँ जी, जाता जल्दी से पानी लाओ, जाओ। माँ लाती हूँ। माँ, माँ क्या हुआ? माँ, माँ मत छू मुझे, चला जा यहाँ से। माँ, ये सब तेरे ही पापों का फल है जो आज उदय पुलिस की हिरासत में है। माँ, ऐसा मत बोल माँ। तेरे कारण हमारे परिवार का सुख चैन छीन लिया, किस लिए आया तू यहाँ? चला जा, मैं कहती हूँ चला जा, मुझे तेरी सूरत से नफरत है। चला जा, चला जा। माँ, मैं तेरा बेटा हूँ माँ, मैं तेरा खून हूँ, और अपने उदय को कुछ नहीं होगा, मैं उसे छुड़ा कर लूंगा और साबित करूंगा कि वो बेगुनाह है। तू क्या उसे बेगुनाह साबित करेगा? तू खुद गुनाहों के दलदल में फंसा हुआ है, तेरी वजह से अजय की नौकरी चली गई, इस पर देशद्रोही होने का आरोप लग गया, और तू, तूने तो अपने पिताजी को भी मार डाला, ये सब तेरे कारण हुआ है। सारा परिवार तहस तहस हो गया, चला जा। माँ, 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 श्रीमान जी, आप मुखाग्नि दीजिए। साइट पर गए हैं, बाद में फोन। अरे बाप रे, कहाँ छुपे हम? टपा डाल मुंडा, तुम्हारी कोई छोड़ना नहीं है। इधर है ये, ये, ये। Thank you.
पर राजा भाई मेरा कोई कसूर नहीं, उन लोगों ने मुझे धमकी देकर करवाया था, मेरी कोई गलती नहीं बलराज भाई, मेरी कोई गलती नहीं, मुझे माफ कर दो बलराज भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बलराज भाई। वजीर कसकर, तुझे माफ कर दो, इसकी वजह से मेरे छोटे भाई पर टाड़ा लग गया। बलराज राणा का फैसला कभी बदलता नहीं। क्या बिल्डर नजीर कासकर का रोल फिनिश हो गया? हाँ साहब, बलराज राणा ने उसको टपका डाला। लगता है साहब अभी आपकी बारी है। ए कदम, क्या बकता है तू? क्या समझता है मैं बलराज राणा से डरता हूँ क्या? अरे उसने मेरे से पंगा लिया ना तो मैं उसका रोल फिनिश कर दूंगा। जा जा, वो मदनलाल केस की फाइल लेकर आजा। जा जी सब। जा। हेलो हेलो रुक्मिणी, हाँ क्या कर रही हो? अरे खाना पीना छोड़ो, बच्चे लोगों को लो सामान बांधो, हम सबको जल्दी गाँव जाने का है। हाँ ओके, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ रुक्मिणी रुक्मिणी, कहाँ हो तुम लोग? तैयार हुए क्या? नहीं, मेरे कपड़े लाओ जल्दी से। कहाँ हो? अन्य तू मेरे यहाँ? चाइला यमराज कभी बोल कर आ। तू मुझे मारता है अन्या साले गुंडे बदमाश। मेरे को गुंडा बोला तू? मैं गुंडा, तू शरीफ। बलराज राणा मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। बलराज राणा मुझे माफ कर दो, मैं तो शंकर कलाल और विठल राव के बहकावे में आ गया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। अपनी वर्दी बेच खाने वाला दलाल मौत से बचना चाहता है तो पुलिस स्टेशन जाकर अपने जुर्म का इकबाल कर ले। बलराज भाई मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी कमिश्नर साहब के पास जाकर अपना जुर्म कबूल करता हूँ, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। मत मारो इन्हें, छोड़ दीजिए, मत मारो। अन्या जी भाई, जब तक इसके इकबाल जुर्म से हमारे भाइयों के माथे पर लगा हुआ कलंक धुल नहीं जाता, इसके बीवी बच्चे हमारे कब्जे में रहेंगे। ठीक है भाई। चाइला बाबू क्यों चलाइला? ए चल चल चल, डरता उसका चला। तुझा नौरा की दी करप्ट है, खूनी है, मायता है, तुला माल खाइला रड़ता हूं ता। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। मुझे खुशी है कि तुम दोबारा नौकरी पर बहाल हो गए और तुम्हारी वर्दी पर जो बदनामी की कालिख लगी हुई थी वो इंस्पेक्टर डांडेकर के बयान से धुल गई। उसने अपने सारे जुर्म खुद कबूल कर लिए हैं। ये लो विठल राव, शंकर कलाल और उसके तमाम साथियों की गिरफ्तारी के वारंट, बुक देम अंडर टाडा और जितनी जल्दी हो सके सभी को गिरफ्तार करो। ओके सर। देखो सर, मैं अपना जुर्म कबूल कर चुका हूं और कानून भी कहता है कि अगर मुजरिम अपना जुर्म कबूल कर ले तो उसे मारना नहीं चाहिए। खोल दो इसे। थैंक यू सर, थैंक यू। अब जैसे सिंसियर पुलिस ऑफिसर से मुझे यही उम्मीद थी। फांसी के कैदी को जल्लाद से रहम की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मुझे मत मारो सर, मुझे मत मारो, मैं मारो। मैं हार्ट पेशेंट हूँ सर, हार्ट पेशेंट। हार्ट पेशेंट है तू? अगर मैं मर गया तो आप खामखा लफड़े में पड़ जाओगे सर।
विठल राव और शंकर कलाल पुलिस के डर से अंडरग्राउंड हो गए हैं। इस वक्त वो कहां है तुम अच्छी तरह से जानते हो। बताओ। बताता हूं। सर, ये रहा आपका मॉर्निंग फ्लाइट का टिकट। लेकिन सर, अब अचानक दिल्ली कहे जा रहे हैं? जा नहीं रहा हूँ, जा चुका हूँ। ओहो, शंकर कलाल का फोन आए तो बोल देना कि प्राइम मिनिस्टर से मेरी मीटिंग है। अच्छा, इसलिए मैं अर्जेंटली दिल्ली चला गया। ओहो, समझ गया सर, पक्का समझ गया। हेलो, हम गजानन दुबे बोल रहे हैं। मैं शंकर कलाल बोल रहा हूँ, सीएम को फोन दे। शंकर कलाल? सीएम साहब तो नहीं है, वो तो भाग गए। भाग गए? क्या क्या बकवास कर रहा है तू? बाबा, बात ये है सर कि पीएम साहब का फोन आया था, इसलिए सीएम साहब दिल्ली चले गए। मुरली मनोहर भी गायब हो गया और ये भी भाग गया। ससुरी दोनों बहुत बेईमान निकले, आज जब हमका जरूरत पड़ी तो दे गए ना कच्चा। अरे वो भाऊ साहब फूट लिए दिल्ली और ससुरा मुरली मनोहर पता नहीं कहां हो गया छुमंतर। ये अंडरवर्ल्ड का गेम शतरंज के माफिक है, एक चाल अगर उल्टी पड़ जाए तो सारा गेम उल्टा पड़ जाता है। ये साला नेता लोग अपने कोई काम आने वाला नहीं है, अब अपने को ही कोई दूसरा गेम खेलना पड़ेगा। गेम तो मैंने पहले ही सोच लिया है विठल राव, कल कोर्ट पहुंचने से पहले रास्ते में ही प्रताप उस दांडेकर को ठोक डालेगा। विठल पुलिस, राजू जाओ देखो। जी घुमाओ। जी सर। डांडेकर
उदय हैंड्स अप। गौतम तुम जानते हो मैं निर्दोष हूं। उदय आई सेड हैंड्स अप। गौतम गौतम कर, आज मैं तेरा रोल फिनिश कर देता हूं। एक बार फिर दरख्वास्त करूंगा कि मुझे कुछ और वक्त दिया जाए। योर ऑनर, बार बार अदालत से दरख्वास्त करके एसीपी राणा अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। पिछले दो घंटे से इन्हीं की रिक्वेस्ट पर इस केस के सरकारी गवाह इंस्पेक्टर दांडेकर का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अब तक एसीपी राणा अपना गवाह पेश नहीं कर सके। ये बात काबिले गौर है योर ऑनर। हमारे मुवक्किल श्री विठल राव, शंकर कलाल और नटवर बनारसी के खिलाफ सिर्फ एक मामूली इंस्पेक्टर के बयान की बुनियाद पर यह मुकदमा चलाया जा रहा है। इस केस में ना कोई ठोस सबूत है ना कोई दूसरा गवाह, इसलिए अदालत से मेरी गुजारिश है कि इस मुकदमे को खारिज किया जाए। जज साहब, रुक जाइए जज साहब, ये रहा सरकारी गवाह। सारी बातें सच सच बताना, वरना अपने परिवार को कभी नहीं देख पाएगा। अपना बयान देने से पहले मैं अदालत से कुछ कहने की इजाजत चाहता हूं योर ऑनर। इजाजत है? मेरी अदालत से एक रिक्वेस्ट है कि मुझे एक बुलेट प्रूफ जैकेट और एक हेलमेट दी जाए। हो सकता है कि बयान देने के दौरान कोई गोली आकर मेरे खोपड़ी में घुस जाए और मेरा रोल विटनेस बॉक्स में खत्म हो जाए। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर डांडेकर, आप घबराइए मत, यह अदालत है, यहां ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप बेखौफ होकर अपना बयान दे सकते हैं। सरकारी गवाह इंस्पेक्टर टांडेकर के इकबाल जुर्म से यह साबित होता है कि विट्ठल राव और शंकर कलाल ने इंस्पेक्टर डांडेकर और नजीर कास्कर के साथ मिलकर बलराज राणा के खिलाफ साजिश रची, जिसके नतीजे में बलराज सिंह राणा और उदय सिंह राणा पर टाडा लगाया गया। तमाम गवाहों के बयानात और अदालत में जो शहादतें पेश की गई हैं, उनकी बुनियाद पर यह अदालत मुलजिम बलराज सिंह राणा और उदय सिंह राणा को बेगुनाह साबित करते हुए इस केस से बाइज्जत बरी करती है।
और साथ ही बलराज सिंह राणा को गिरफ्तार करके उस पर पुलिस की हिरासत से फरार होने के जुर्म में मुकदमा चलाए जाने का हुक्म देती है, क्योंकि विट्ठल राव, शंकर कलाल, इंस्पेक्टर डांडेकर और नटवर बनारसी पर कई हत्याकांड और शहर में दंगा फसाद करवाने का आरोप है। इसलिए अदालत एसीपी अजय सिंह राणा की दरख्वास्त पर इन्हें 15 दिन तक पुलिस रिमांड में रखने का हुक्म देती है। द कोर्ट इज एडजर्न फॉर द डे। इन सबको ले जाओ। किशन, ले जाओ इसे। यस सर। आपको भैया